त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। लेकिन सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जमाखोरी पर रोक लगाने के प्रयास में जुटी हुई है। केंद्र ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से राज्यों को पत्र लिखा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD खाद्य मूल्यों पर भंडारण सीमा आदेश पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार 25 अक्टूबर 2021 को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव सुधांशु पांडे द्वारा सभी राज्यों को लिखे गए पत्र में विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं की राहत के लिए और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के मूल्य को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार की है। DFPD खाद्य तेलों के मूल्यों और उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धता की निगरानी कर रहा है। ये आगामी त्योहारी सीजन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। सरकार द्वारा इससे पूर्व ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं, जैसे सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ वार्तालाप के आधार पर भंडारण की जानकारी देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और DFPD ने देश में साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों एवं तिलहन के भंडारण की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है। उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए खाद्य पदार्थों की मांग और खपत अलग अलग होती है। हालांकि खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडारण सीमा की मात्रा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए तय की गई पिछली भंडारण सीमा पर जानकारी ले सकते हैं। ये विचार किया जा सकता है कि किसी भी हितधारक रिफाइनर मिलर थोक व्यापारी आदि को भंडारण क्षमता का 2 महीने से अधिक स्टॉक नहीं रखना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए राज्य पूर्व में निर्धारित की गई सांकेतिक सीमाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं और यह विचार के लिए पत्र के साथ संलग्न है। हालांकि अन्य श्रेणियों के लिए राज्य के लिए उपयुक्त समान मात्रा निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए रिफाइनर के लिए पिछले 6 महीनों के औसत पैमाने के अधिकतम 2 महीने के स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह एक्सट्रैक्टर्स और मिलर्स के लिए मात्रा निर्धारित की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।